और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उस पर नजर डाले। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी गहमा गहमी दिल्ली में शुरू हो गई है और दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बैठक, ये मीटिंग शुरू हो गई है, जहां ममता बनर्जी ने विपक्ष के नेताओं की मीटिंग बुलाई थी। और इस मीटिंग में कांग्रेस से रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप सभी तक हम साझा कर रहे हैं, लेकिन कुछ पार्टियों ने इस मीटिंग से दूरी भी बना ली है कांग्रेस। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे अशोक सिंघल का, हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ममता बनर्जी ने जो विपक्षी पार्टियों की राष्ट्रपति चुनाव के लिए बैठक बुलाई है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में थोड़ी देर पहले शुरू है, जिसमें आम आदमी पार्टी, टीआरएस, बीजेडी और अकाली दल को छोड़कर के बाकी तमाम विपक्षी पार्टियां इस बैठक में मौजूद है। चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो एनसी की तरफ से, चाहे अखिलेश यादव हो कांग्रेस की तरफ से, सुरजेवाला, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश यहाँ पहुंचे हैं, बाकी पार्टियों के नुमाइंदे भी यहाँ पहुंचे हैं। इस बैठक में एक विपक्षी पार्टियों का एक उम्मीदवार बनाने की कोशिश है कि प्रेसिडेंट पद के लिए किसको उम्मीदवार बनाया जाए। शरद पवार इस बैठक में पहुंचे हैं, हालांकि शरद पवार को प्रपोजल दिया गया था, ममता बनर्जी ने बात की थी, आम आदमी पार्टी चाहती थी कि शरद पवार आ जाएं तो अच्छा प्रेसिडेंट पद के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि वो नहीं चाहते हैं राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़े। इसलिए अब ये बैठक में तय होगा कि क्या तमाम जो विपक्षी पार्टियां उनकी तरफ से किसको उम्मीदवार बनाया जाए, किस पे कंसेंसस बनाया जाए। अलग अलग पार्टियां यहां पे अपना व्यू रखेंगी और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी इसी हॉल में। आप देख सकते हैं कि मीटिंग ऑफ द अपोजिशन पार्टी जो लिखा हुआ है, ममता बनर्जी के इनिशिएटिव पे ये बैठक बुलाई गई है और इसमें जो अकाली दल है उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि बैठक के बाद कौन क्या उम्मीदवार का नाम आता है उसके हिसाब से अपनी रणनीति तय करेंगे। शरद पवार के नाम को लेकर आम आदमी पार्टी भी सहमत थी। कौन कौन से बड़े नेता वहां पर पहुंच चुके हैं जरा दर्शकों को? देखिए, ममता बनर्जी सबसे पहले यहाँ काफी देर पहले पहुंच गई थी क्योंकि वो होस्ट इस अपोजिशन पार्टी की जो उन्होंने बैठक बुलाई थी। उमर अब्दुल्ला है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव हैं, कांग्रेस की तरफ से रणदीप सिंह सुरजेवाला, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश हैं, शरद पवार खुद हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, डीएमके है, टीआर बालू पहुंचे हैं यहाँ पर डीएमके की तरफ से, शिवसेना है, आरएलडी है, पीडीपी है, पीडीपी की तरफ से महबूबा मुफ्ती इस बैठक में पहुंची हैं, सीपीएम, सीपीआई, जेडीएस, इन तमाम पार्टियों के नुमाइंदे इस बैठक में पहुंचे। अशोक, अगर आम आदमी पार्टी, टीआरएस और बीजेडी नहीं पहुंची है, नदारद है, क्या कुछ स्टेटमेंट दिया गया इन पार्टियों की तरफ से कि क्यों नहीं आ रही है, या कुछ भी अगर किसी ने भी कुछ कहा हो, इशारा दिया हो? देखिए, आम आदमी पार्टी ने पहले तो शरद पवार के नाम पे सहमति व्यक्त की थी और संजय सिंह मिलने भी गए थे शरद पवार को कि अगर वो प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार बनते हैं तो हम समर्थन करेंगे, लेकिन शरद पवार ने मना कर दिया था। अब आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि मीटिंग के बाद विपक्षी पार्टियों का कौन सा उम्मीदवार आता है उसके हिसाब से हम अपनी रणनीति बनाएंगे। और बाकी पार्टियों ने अपनी पत्ते नहीं खोले हैं, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो बीजेडी हो, टीआरएस को बुलाया नहीं गया है क्योंकि टीआरएस कांग्रेस जिस मंच पे कांग्रेस होगी वहां पे टीआरएस नहीं आएगी, ये एक तरह से चीजें सामने आई थी, तो टीआरएस को न्योता नहीं दिया गया। बाकी पार्टियों ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया, चाहे वो बीजेडी हो, अकाली दल हो, इन्होंने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। बाकी तमाम विपक्षी पार्टियां इस बैठक में मौजूद है। एक और अहम सवाल, आपको क्या लगता है, सूत्रों के मुताबिक कुछ अगर छनकर खबरें बाहर निकलकर आ रही हो कि कौन से वो नेता हैं जिन पर दाव खेला जा सकता है विपक्ष की तरफ से? हालांकि इस रेस में बहुत सारे नाम शामिल हैं, लेकिन क्या कुछ अभी खबरें निकलकर आ रही है इससे जुड़ी हुई? देखिए, अभी तो थोड़ी देर पहले बैठक शुरू हुई है, शरद पवार का नाम सबसे पहले आया था, खुद ममता बनर्जी उनसे मिली थी, ममता बनर्जी की तरफ से भी आया था और उसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आया था। पिछली बार भी शरद पवार का नाम उछला था और एक चीज मैं आपको और बता दूं, नीतीश कुमार का नाम भी बीच में उछला था प्रेसिडेंट पद के लिए, लेकिन नीतीश कुमार ने भी मना कर दिया था कि वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं है। और जेडीयू की तरफ से साफ तौर से कहा गया था कि हम तो एनडीए के पार्टनर है, एनडीए जो तय करेगी एनडीए के साथ जाएंगे। तो बाकी अभी मंथन हो रहा है कि किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा, क्योंकि अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन कंसेंसस कैंडिडेट कौन होगा वो देखना होगा। अशोक, कुल टोटल पार्टियों की अगर हम बात कर ले तो कुल कितनी पार्टियां इसमें शामिल, इस बैठक में शामिल हो रही हैं या फिर पहुंच चुकी हैं, अगर कुछ आंकड़े मिले तो बताएं, जरा अपडेट करें इस पर। देखिए, इस
जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस है, डीएमके है, शिवसेना है, समाजवादी पार्टी है, आरएलडी है, जयंत चौधरी आरएलडी की तरफ से है, एनसीपी के शरद पवार मौजूद है खुद इस बैठक में, जिनके नाम को लेकर के कुछ पार्टियों ने कहा था कि उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनना चाहिए। पीडीपी की तरफ से महबूबा मुफ्ती है, जेडीएस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, सीपीएम है, सीपीआई है, ये तमाम पार्टी इस बैठक में मौजूद है। आम आदमी पार्टी, टीआरएस, बीजेडी और अकाली इस बैठक में मौजूद नहीं है। आरजेडी भी मौजूद है, मनोज झा आरजेडी की तरफ से इस बैठक में मौजूद है।